देखिए, मैं आप सभी को, सभी जितने भी दर्शक आपके चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, सबको जय गौ माता, जय श्री राम। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक ओवैसी जो कि संसद, जिसको हम पार्लियामेंट मंदिर मानता है, 140 करोड़ देश की जनता, वहाँ पर जय फिलिस्तीन बोलता है, जहाँ पर भारत माता की जय के लिए ओवैसी के पेट में दही जम जाता है, लेकिन जय फिलिस्तीन वो सदन के अंदर से बोलते हैं। मैं आज़ाद भाई और विजय कट्टर हिंदू भाई जा करके, हम कुछ भाई अगर उसके घर पर पोस्टर चिपकाने का काम करते हैं, तो हमारे ऊपर ओवैसी के कुछ रिश्तेदार, चाहने वाले, उनके भाई और आतंकियों के जमाई, शोएब जमाई जैसे लोग जा करके FIR दर्ज कराते हैं, जिसमें 153A जैसी संगीन धारा दर्ज कराते हैं, जो कि गैर जमानती है। आज हम दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस है, हम दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत अभिनंदन भी करते हैं। हमारे ऊपर जाँच शुरू करिए, दिल्ली पुलिस ने हमें बुलाया था, हम सभी जाँच में सहयोग करने के लिए पहुँचे, और दोबारा दिल्ली पुलिस जब भी बुलाएगी, हम दोबारा जाँच में सहयोग करेंगे। और इसी प्रकार से एक एक बात हमने वहाँ पर अपनी रखने का काम करा कि हम कोई भगोड़े नहीं हैं, ना हम इस देश के किराएदार हैं, जो इस देश के किराएदार हैं वो सदन में ओवैसी जैसे लोग हैं, और आतंकियों के जमाई, शोएब जमाई जैसे लोग हैं, जो इस देश के रोहिंग्या बांग्लादेशियों को शरण देने का काम करते हैं और किराएदारों को मसीहा बनने का काम करते हैं। हमने कुछ नहीं गलत करा है, और ना कभी किसी से डरे थे, ना डरेंगे, और ना कभी भी डर कर रहेंगे। इसी प्रकार से बोलते थे, बोलते हैं, रहेंगे, और जो भी काम होगा सनातन के लिए, अपने भारत देश के लिए, बिना डरे करते रहेंगे। किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि हमारे सनातन की आवाज़ को दबाने का काम करेगा। सनातन के जितने भी प्रेमी हैं, सबका लठ बहुत मजबूत है। इसी प्रकार से दोबारा भी अगर वैसी कोई घटना करेगा या ऐसे विवादित बोल बोलेगा, तो इससे भी तगड़ा मुंह तोड़ जवाब देंगे, और हम इन FIR से डरने वाले नहीं। बिल्कुल, जब फिलिस्तीन का समर्थन आपकी खुद की सरकार करती है, तो ओवैसी के जय फिलिस्तीन बोलने। देखिए, हम इजराइल का समर्थन करते हैं, हमारी फिलिस्तीन से कोई दुश्मनी नहीं है। हम ये कहते हैं, हमास का जो यार है वो देश का गद्दार है। हमास एक आतंकवादी संगठन है, हमारी लड़ाई दुश्मनी उससे है। जो मानवता का दुश्मन है, हम सभी उसके दुश्मन है। जब हमास वहाँ पर इजराइल पर 400 रॉकेट छोड़ता है, 8-8, 7-7 महीनों की बच्चियों को मारने का काम करता है, इजराइल की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने का काम करता है, तो अभिषेक ठाकुर, विजय कट्टर हिंदू और आजाद विनोद जैसे इस देश में 110 करोड़ सनातनी हिंदू हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे, और एक एक सनातनियों के लड़े लेकर के खड़े हुए हैं। हम न डरने वाले हैं, न दबने वाले हैं, इसी प्रकार से प्रतिकार करते रहेंगे। और देश के, पूरे देश की जनता से कहना चाहता हूँ कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, और स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। अभिषेक जी, भारत का एक जो समुदाय है, वो जो फिलिस्तीन का समर्थन करता है, भारत में नारेबाजी करता है, उसके बारे में क्या? देखिए, मैं किराएदारों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, वो किसी का भी समर्थन कर सकते हैं, लेकिन इस देश के बहुसंख्यक समुदाय, 80% आबादी हमारी जो है, जो की है, वो इसराइल का समर्थन करती है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसराइल में मानवतापूर्वक समर्थन करते हैं। और जो लोग फिलिस्तीन और हमास जैसे आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, तो मैं कहता हूँ, इस देश में ये 2 कोटी का आदमी, शोएब जमाई और ये ओवैसी जैसे लोग, बांग्लादेश में जब हमारे हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तो ये सच्चे और अच्छे मुसलमान आकर के प्रदर्शन क्यों नहीं करते? आज आपके चैनल पर, सभी के चैनल पर, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। ये कहते हैं कुछ सच्चे और अच्छे मुसलमान, भाई साहब, सांप की प्रजाति में सारे सांप जहरीले नहीं होते, पर आपके घरों में जब सांप आता है, तो क्या डसवा के देखते हैं कि ये सांप जहरीला है कि नहीं है? आज मैं पूछना चाहता हूँ, अच्छे और सच्चे मुसलमान की परिभाषा इनमें से कौन आकर के देगा मुझे? आप मुझे एक बात बताइए, जब मोदी जी पैलेस्टाइन गए थे, तो जब मोदी जी पैलेस्टाइन गए, तो वहाँ की जो एस्कॉर्टिंग व्हीकल्स है, जो एस्कॉर्टिंग एयर व्हीकल्स है, वो इसराइल दे रहा था, तो मोदी जी ने कहा कि पैलेस्टाइन भी हमारा उतना ही अच्छा दोस्त है, तो आप कैसे कह सकते हो? सर देखिए, मैं हमास की बात कर रहा हूँ, हमारी पैलेस्टाइन से कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है? हमास का जो यार है वो देश का गद्दार है, उसके विरोध में प्रचंड आवाज उठाने का काम करेंगे, और चाहे वो जो भी किराएदार उसके पक्ष में बोलेगा, चाहे वो आतंकियों का जमाई, शोएब जमाई हो या कोई भी हो, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। जय श्री राम। अभिषेक भैया के ऊपर 153 जैसी संगीन धारा लगा दी जाती है, वही जब ओवैसी का भाई बोलता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, तब कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। उसका कारण ये है कि जब तक हिंदू अपने धर्म का, अपनी आस्थाओं का और अपनी बहन बेटियों का राजनीतिकरण करता रहेगा, हिंदुओं को मुस्लिम तुष्टिकरण के आगे झुकाता रहेगा, ऐसे ही होता रहेगा। हम ये चाहते हैं, अगर संविधान है देश के अंदर, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए।
अगर पोस्टर लगाने पर 153 धारा लग रही है तो इस देश का दुर्भाग्य है। फिर तो अभिव्यक्ति की जो आज़ादियों के नाम पर इस देश को तोड़ने की बातें करते हैं, लोगों को भगाने की बात कर रहे हैं, पलायन कराने की बात कर रहे हैं, उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये भेदभाव किए बगैर कि वो बड़े नेता हैं या बड़े रसूखदार हैं, और एक छोटा आदमी जो अपने राष्ट्रीय धर्म के लिए आवाज़ उठा रहा है उसके ऊपर FIR दर्ज करके उसको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन सेम धारा ऐसे ही कोई बोल रहा है 15 मिनट में पुलिस हटा दो, कोई कह रहा है योगी मोदी वहाँ चले जाएंगे, कोई सीधे सीधे भाषणों में बोल रहा है कि पुलिस वालों को धमकी दे रहे हैं कि ये जब सत्ता जाएगी जब तुम सोच लो अपना। तो जब हमारे देश के अंदर पुलिस प्रशासन सेना जैसे लोग पत्थरबाजी हो रही है, गोलियां मार रहे हैं, पथराव किए जा रहे हैं, वो लोग सुरक्षित नहीं है, उन पर भी वैसी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या भारत के अंदर विरोध जताना, अभिव्यक्ति की आज़ादी का नारा किसने दिया है? इन्होंने दिया ना, कांग्रेस और राहुल गांधी ने। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या उन्होंने ये बोला था कि यार सिर्फ राहुल गांधी की या कांग्रेस की अन्य की होगी और किसी की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है क्या? तो अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी की है, और अभिव्यक्ति की आज़ादी में ही हम लोगों ने जब देश के अंदर एक ऐसी विचारधारा को सपोर्ट किया जाता है तो भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, गर्दन पे चाकू रख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं तो धारा में मुकदमा दर्ज हो रहा है, तो बेशक से कोई दिक्कत नहीं है। भारत माता की जय, जय श्री राम के लिए अगर नारे लगाने पर मुकदमे दर्ज होते हैं तो बेशक कितना दिल कर इतने लगाते रहो, जय श्री राम और वंदे मातरम और भारत माता की जय तो निकलती रहेगी। चाहे FIR दर्ज कराओ, चाहे कुछ भी कर लो, जब तक जीवित हैं जब तक तो भारत माता की जय का नारा कोई रुकवा नहीं सकता। हर जगह देश में विदेश में हर जगह हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है? क्योंकि हिंदू अपने आप को हमेशा उम्मीद पे जीने का सोच रखा है कि कोई मसीहा आएगा और उसे बचाएगा। आप लोगों को ये बात सोचना चाहिए कि अपना युद्ध कभी कभी खुद लड़ना पड़ता है। आप हर बात में भगवान तो नहीं आएंगे, आपके अंदर बुद्धि विवेक है ना, आपके अंदर क्षमता है, आपको खुद लड़ना होगा। इसीलिए जब तक हिंदू प्रतिकार करना नहीं सीखेगा, हर बहन बेटी को एक बोला जाता है ना, कलम पकड़ाने से पहले उसको आज का सिचुएशन ये हो गया, कुछ हथियार थमाना पड़ेगा, क्योंकि वो जब वो खुद रक्षा करना सीख जाएगी तो उम्मीद करना छोड़ देगी। हर बात में योगी मोदी थोड़ी आएगा। और बात रही अभी पोस्टर चिपकाने के बाद, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पोस्टर वहाँ पाकिस्तान का चिपकाया गया है? पाकिस्तान का चिपकाया जाता तो वो होता। इसराइल हमारा दोस्त है, इसराइल भारत का एक फ्रेंडली देश है। हमारे को 2000 में जब वो हुआ था कारगिल का युद्ध, उसमें आर्म्स एंड एमुनिशन दिया था। इसराइल हर वे में हमें सपोर्ट करता है। अभी बांग्लादेश में जब हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था तो कोई फलस्तीन के लोग नहीं आए थे, इसराइल के लोग डंके की चोट पे खड़े थे कि हम भारत के लोगों के साथ खड़े हैं। तो जो लोग हमारे मुसीबत में, जो देश हमारे मुसीबत में खड़ा है, जो देश हमारे हिंदुओं के लिए थोड़ा सोच रहा है, तो भैया खुला समर्थन है उस देश को। और बात रही आपका सवाल कि वो गाड़ी दिया गया, सुनो फॉरेन पॉलिसी भी अलग अलग देशों की होती है, एक डिप्लोमेसी मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत दिखाया जाता है। आप किसको समर्थन करते हो? आप क्या फिलिस्तीन को समर्थन करते हो? हमास का, हमास इज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फंडेड बाय द फिलिस्तीन। जैसे लेबनान में हिजबुल्ला है, वैसे ही बोको हराम है। ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो देश बनाकर रखता है, जो वहां पे गतिविधियां करे, अटैक करे, ये सब टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। तो हम तो खुला हमास का अपोज कर रहे हैं भाई। और अगर वैसी को अगर दांत में और छाती में और पेट में दर्द हो रहा है कि अगर इजराइल का वो करने से, तो भैया इजराइल जो कर रहा है ना, जिस देश में दम है तो वहां जाके कुछ करके दिखा लो। तुम्हारा आपको नहीं लगता फिर सरकार को ओवैसी के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए? जबकि अगर ओवैसी के घर पे कोई पोस्टर लगा रहा है तो उसी पे अटैक हो रहा है। मैम यही तो दुर्भाग्य का बात है कि इतना मेजोरिटी के साथ सरकार चुना जाता है और जो लोग चुनते हैं उनकी कोई एक शब्द नहीं सुनता है। बीजेपी देखिए बिल्कुल गलती है, इतना अंधभक्ति नहीं दिखा सकता ना। उसका हिम्मत कैसे हुआ फिलिस्तीन का, जय फिलिस्तीन बोलने का? वो सीधा सीधा संसद भवन में बोल के एक अलार्मिंग मैसेज भेज रहा है कि देखो तुम्हारी मेजोरिटी की चुनी हुई सरकार के मुँह पे मैं बोल के आ रहा हूँ और उन सो कॉल्ड पीसफुल लोगों को खुश कर रहा हूँ ताकि वो अगले इलेक्शन में वोट दे। वो सिर्फ इसलिए बोला ना ताकि उसके जो ब्लाइंड सपोर्टर है वो इस बात से खुश हो जाएं कि देखो हमारा चुना हुआ वैसी साहब कैसे हैं। ये तो सीधा मोदी जी के मुंह पे जय फिलिस्तीन बोल के आ रहे हैं, तो ये पॉलिटिक्स है, समझो। और ये लोग चुप हैं तो विफलता है ना। आप का डर नहीं, उनसे डर नहीं है। अब सोचिए कितनी बड़ी देश की दुर्भाग्य की बात है कि आप जिन लोगों को खुश कर रहे हो वो आपको वोट नहीं देते हैं, आपको दिन रात गाली देते हैं, और आप बीजेपी में सदस्यता करवा रहे हो 5 लाख लोगों को, क्या वो आपका नाश नहीं करेंगे? अगर इसराइल कब हमारा दुश्मन हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ? किसी के बारे में बोला बोलने
से पहले सोचना पड़ता है। और बीजेपी का एक, मैं लिटरली एक चीज़ बता रहा हूँ, बीजेपी कहीं ना कहीं अपना नाश करवा रही है। नाश इस वे में कि जो लोग इतने फेथ के साथ ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं, जान को रिस्क लेते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बचा पा रहे हो, तो आप क्या समझ रहे हो हम अंधी पब्लिक हैं 2029 में? क्या और इसका बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? बीजेपी को मंथन करने का जरूरत है कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, वरना उनका नाश हो जाएगा। भाई सबका साथ सबका विकास कैसे? बैंक से लोन मैंने लिया, भर आप देना उसका सूद और उसका पैसा आप भर देना। भर दोगे क्या भाई? भर दोगे आप? बैंक से लोन मैं लूंगा, आप भर दोगे? भाई जिसका साथ उसी का विकास होना चाहिए। और आज मैं बीजेपी सरकार के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ, आज हमारे पे मुकदमा दर्ज करने की तैयारी करी गई, ठीक है? वहां पर एक एक बीजेपी का सरपंच, एक पार्षद, एक एमएलए, एक मंत्री और एक विधायक, कोई एक व्यक्ति नहीं मिला। और एक बंदे ने फोन भी नहीं उठाया, बीजेपी के एक बंदे ने सब पे फोन किया भाई हमने। तो हम किसके कार्यकर्ता हैं भाई? कौन से कार्यकर्ता हैं? हम किसका काम कर रहे हैं? लेकिन बीजेपी को तो हिंदुओं की ही पार्टी कहा जाता है। बीजेपी हिंदुओं की पार्टी ही है या नहीं है वो तो देखो आपको पता और पूरे भारत भर को पता है। लेकिन आज हमें दुख है कि बीजेपी एक नेता ने फोन भी नहीं उठाया कि भाई आप जेल जा रहे हो। इसलिए जेल जा रहे हैं कि भारत की राजधानी, ठीक है, भारत की राजधानी के जो 130 करोड़ लोगों का संसद भवन जिसे बोलते हैं, 130 करोड़ लोगों का मंदिर, वहां पर एक ऊंचा पजामा लंबी दाढ़ी टोपी वाला ओवैसी जो 15 मिनट की धमकी देता है हिंदुओं को, वो बोलता है भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, चाहे यहां रख देना, ठीक है, धारदार हथियार, लेकिन मैं जय फिलिस्तीन बोलूंगा। तो बताओ भाई साहब चल कह रहा है फिर भारत में ऐसे लोगों को चुन करके ऐसे गधों को भेजा कू जा रहा है यहाँ पर? हमारी छातियों पे सांप लौट रहे हैं क्या भाई? आप समझो जो एक वो बिन मूछ वाला सोब जमाई वो जगह जगह जाकर के हमारी दरखास्तें दे रहा है और हमारे पे मुकदमा दर्ज करवाने की पूरी ताकत लगा रहा है, केवल हमारे ऊपर 35 टुकड़े जिस बंदे ने करे, जिस जादी ने करा उसके ऊपर गुनी करी, जिसने 36 चाकू मारा उसके ऊपर गुनी करी, जिन्होंने मेवात में हिंदुओं को मारा इस सोब जमाई, इस कुत्ते ने उनके ऊपर मुकदमा गुनी दर्ज करवाया, ये हमारे पीछे पड़ गया। हम देश और राष्ट्र भर लोगों के समाज के लिए, और सुन लो सोएब जमाई 2% के आदमी, तेर से ना मेरी गली का कुत्ता भी नहीं डरता। बहुत बढ़िया भाई, सुन ले दूसरी बात भाई, जब तेरे को मानेंगे हम लोग, और सुन मुस्लिम समाज की तीन औरतों को बचाया, तीन लड़कियों को हमने, मैंने फरीदाबाद में मुस्लिम समाज की तीन लड़कियों को बचाया, कौन आया ओवैसी वहां पर, पता किससे बचाया? उन्हीं के भाइयों से, उन्हीं के सगे चाचा मसौड़ी के भाइयों से। और हमारे ऊपर भाई साहब उसने कितनी संगीन धारा 6-7 धाराओं में मुकदमे दर्ज करवाए। आज जब हमें आईओ ने दिखाया कि ये मुकदमे तुम्हारे ऊपर दर्ज करवाने के लिए, और हमें अधिकारी बता रहे कि प्रेशर है, भाई किसका प्रेशर है भाई? पाकिस्तान से प्रेशर है, सीरिया से प्रेशर है, बांग्लादेश से प्रेशर है, कहां से प्रेशर है भाई? हम अपने देश की वर्दियों का सम्मान करते हैं और ये हमारे देश की वर्दियों का अपमान करते हैं। जैसे वहां पर तोमर साहब को और हमारे वो डीसीपी साहब को इन्होंने घेरा और वहां पर हाथ छोड़ा तो कूनी करा भाई साहब, इस तरीके से उन्होंने कूनी करी भाई फायरिंग, ऐसे आतंकवादी संगठन वाले सारे रोड पे घेर घेर करके नमाज पढ़ रहे थे ये लोग, कूनी करी कानूनी कार्रवाई तगड़ी सी, जितने थे सबके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था भाई साहब। हमने केवल ऑफ केवल उस 15 मिनट की धमकी देने वाले घर पे 19 मिनट खड़े हुए थे और हमने जाकर केवल ऑफ केवल पोस्टर चिपकाया था और भारत माता की जय बोली थी, और भारत में रहना तो भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। और हिंदू आप जागो, आप कब जागोगे? हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाएगा भाई। तो क्या आप मानते हैं योगी जी जो कह रहे थे 2 दिन पहले कि बटेगा हिंदू तो कटेगा हिंदू का सही? यही है रिजल्ट। आप ना बूंद बूंद में, तुम्हें जातियों में बांट दिया, बूंद बूंद में। अरे सागर बनो, सनातनी बनो, सागर बनो, सागर बूंद बूंद में मत बटो। आज गुजर, जाट, बावन, दलित, शूद्र, बनिया, ये सब बन करके बैठे, बड़े बड़े चौधरी बने बैठे, हम तो गुजर हैं। एक गाड़ी नहीं आती है, जब 4 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ पांडव नगर में, ये जो बड़े बड़े चौधरी बने इंस्टाग्राम के, कि वो एलवीसी यादव और वो रजत दलाल, वो आदि नागर और भी 3-4 हैं हवाबाज, सारे 50 गाड़ी आ रही है, 100 गाड़ी आ रही है, एक गाड़ी नहीं पहुंची इन हवाबाजों की एक गाड़ी नहीं पहुंची है। और मैं बोलना चाहता हूँ नितिन चंदेला फरीदाबाद के लिए भी, इन हवाबाजों के साथ भाई वीडियो को डालता भाई, हमारे लिए हमारे साथ डालना भाई, हम सनातन काम करते हैं, मौके वारदात पे पहुंचते हैं, धरातल पे उतरते हैं और सोशल मीडिया पे आकर के लोगों को जागरूक का भी काम करते हैं, हमारे साथ वीडियो डालना। नितिन चंदेला जैसा व्यक्ति वहां पर उन हवाबाजों के संग वीडियो डाल रहा है, मैं इसको भी चिन्हित करना चाहता हूँ। जितने भी हमारे भारत में हवाबाज है ना, ये इनको भाई फॉलो मत करो, ये तुम्हारे बच्चों तुम्हारे को नपुंसक बना देंगे, नपुंसक। और भारत माता की वो बोल रहे थे, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, यहाँ पर कितने बंदे खड़े भाई, बोल भारत माता की, बोल भारत माता की, जय जय श्री राम, जय श्री राम।
डेढ़ साल से कोर्ट कचहरी के धक्के खा रहे हैं। मैं खुल के बता रहा हूँ, अगर टीएमसी होती, अगर कांग्रेस होती, अगर झाड़ू होती और पार्टियां होती तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए वो रात दिन खड़ी रहती है। मैं खुल के कह रहा हूँ, अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करते हो तो 15 दिन के लिए योगी आदित्यनाथ को 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करते हो तो 15 दिन के लिए प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को बना दो और एक बार सारे सड़कों पे आ जाओ। अब की बारी जो होगा वो प्रधानमंत्री बताएगा और जनता बताएगी कि हर हर महादेव होगा या तुम्हारे नारे लगेंगे, क्या तुम्हारे नारे लगेंगे। और अगर यहाँ कोई हिंदू, एक मिनट, अगर कोई हिंदू खड़ा है तो मेरी बात का समर्थन करेगा हर हर महादेव के नारे से। अब आप सुनो, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, भैया पहले पीछे दिखा दो, इनकी आँख खोली, पहले पीछे दिखाओ। इतने लोगों ने, हिंदुओं ने, सब ने नहीं बोला अमित भाई तुम काहे के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, थारे जैसे मूर्खों को उठाने के लिए, तुम मूर्खताई कर रहे हो मूर्खों को जगाने के लिए। इन लोगों को जगाना है। यहाँ खड़े हुए लोग मोबाइलों पे लगे पड़े एप्पल के, और वहाँ कट्टर हिंदू अमित सिंह राठौर, और ये अपनी अम्मी को कह रहे हैं कि वीडियो आ गई एडिट करके डालो, क्या वीडियो आ गई, क्योंकि इन्होंने सारी जिंदगी चुरा चुरा के काम करा है। मुगलों का इतिहास है कि चुराई चीज को इन्होंने अपना घर बनाया था, और इन्हीं का निकला राहत फतेह अली खान। ए चिरकुट, तूने गाना गाया, तेरे ऊपर भी मौलाना पर्चा दर्ज होना चाहिए। तूने बोला चुराई चीज को तूने खुदा का, पहले राम मंदिर, फिर ज्ञानवापी, फिर 40,000 मंदिर। रुक जाओ भाई साहब, तुम भी वहीं जा रहे हो, रुक जाओ, 60,000 होंगे। और तीसरी बात, मैं एक बात बता दूं, अब की बार 2029 में इलेक्शन है, ये 5 साल अगर हिंदुओं का साथ नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसके साथ केवल सनातनी खड़ा है, 10% या 20% मुस्लिम खड़े हैं, वो भी वो खड़े हैं जो मजबूरी में, बाकी अंदर से सब एक ही हैं, अंदर से एक ही है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर मोदी जी सबका साथ और सबका विकास करेंगे और भाईचारा दिखाएंगे, तो भाईचारा देखने के लिए 522 गांव में 522 मकान दिए, 2200 लोगों ने वोट नहीं दिया, क्या अगर आधे हिंदुओं को भी मकान दिए होते तो कम से कम आधे तो दोगले होते। और तीसरी बात भैया, खुल के कह रहा हूँ, जितना मर्जी अब इंजॉय कर लो, 1 महीने बाद दिवाली है, क्या दिवाली? वो कट्टर हिंदू ने बात बढ़िया बोली थी, ये चम्मच कुकर ये सब खरीदना बंद करो, लोहा खरीदो मकान बनवाओ, खुल के नहीं बता रहा हूँ, समझा ही रहा हूँ, लोहा खरीदो मकान बनाओ, खूब नारियल पानी पियो, मगर नारियल पानी पियोगे तो उसका थोड़ा सिस्टम भी तो बनाओगे ना, नारियल कैसे कटेगा पत्रकार? नाइफ से। इसीलिए बोल रहा हूँ कि योगी जैसे बंदे को आगे ले आओ, और बीजेपी के अंदर एक खुल के बात बोल रहा हूँ, ये जरूर डालना, उनको ना लाने की बहुत गहरी साजिश चल रही है, क्या अगर योगी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया बीजेपी की इंटरनल सेल ने, तो हम योगी को अब की बारी निर्दलीय खड़ा करके देश का प्रधानमंत्री बना के दिखा देंगे, हम 100 करोड़ है। आप जिसको बनाने की बात कर रहे हैं, पर उनके बुलडोजर पे तो रोक लगने वाली है। अच्छा, कोर्ट कचहरी चलती है देश में। आप एक बात बताइए, आप जिसको प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, देश का सर्वोच्च अदालत उस व्यक्ति को कह रहा है कि उसकी जो अंजाम है बुलडोजर की जो तरीका है काम करने का, वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही कह रहा है वो, पूछो कैसे? पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चल रहा है, हर जगह फॉलो करते हैं। आप भी जहाँ खड़े हो, ये वक्फ बोर्ड की जमीन में खड़े हो, परमिशन लेकर आए हो, कोनो फिरकी ले रहे हैं ना? सुप्रीम कोर्ट के राह चलता हर आदमी फॉलो करता है। कैसी बातें कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में लगती है बाबा की अदालत क्या? जब तक तुम कोर्ट का नोटिस ले आओगे ना, तब तक तो अतीक जो है ऊपर जा चुका, यही देश है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जय भीम और लगे रहो मीम। और लास्ट है, अब नहीं जागोगे तो एक दिन हिंदुस्तान छोड़ के भागोगे। एक पिक्चर में दिखाते हैं बंगाल फाइल, एक पिक्चर में दिखाते हैं दिल्ली दंगे फाइल, एक में दिखाते हैं कश्मीर फाइल। अरे हिंदुस्तान फाइल नहीं बनाना तो जाग जाओ। और योगी जी का मैं समर्थन करता हूँ, यहाँ जितने लोग हैं मैं भी उनके, वो भी मेरे साथ बोलेंगे, योगी जी आप बयान दो हम तुम्हारे साथ है। योगी जी आप बयान दो हम तुम्हारे साथ है। और योगी जी आप आगे आओ हम तुम्हारे साथ है। आप जिसको प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर वो आएंगे तो देश को बांटेंगे भी और काटेंगे भी। बिल्कुल, वो सुनो, वो गांजा पीने के बाद सही बोलता है, पूछो क्यों?
उनकी दादी ने क्या करा, उनके नाना ने क्या करा, और उनके उर्फ अंकल जिन्ना साहब, अंकल समझते हो, अंकल कौन होता है, चचा, चचा राम जाने कौन सा चचा था मुझे नहीं पता, कई चचा घर में भी आते हैं आजकल, वो चचा जो था ना उसने पाकिस्तान भी बना दिया, बांग्लादेश भी बना दिया, मगर हम भी कहते हैं क्या कि हमारे यहाँ छुरी रख दोगे, हमारे यहाँ छुरी रख देंगे, तब भी हम तुम्हारे फिलिस्तीन की तरफ बम छोड़ने इजराइल की तरफ से बोल रहे हैं नहीं छोड़ेंगे, हम एक ही बात बोलेंगे तुम्हारे को बवासीर के लिए कि इजराइल जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि तुम्हारे को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद आप रहेगा। जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं लेकिन आपको इससे ये नहीं लगता कि हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी बहुत असर पड़ेगा आपकी बारी, पैलेस्टाइन मोदी जी भी गए थे और पैलेस्टाइन इजराइल दोनों जगह गए थे, जाना कई बार दुश्मन के घर भी जाना पड़ता है, मैं भी सीलमपुर होते हुए जाता हूँ और कई बार मैं भी दुश्मन के घर में जाकर चेक करता हूँ कि कैसा हिसाब किताब चल रहा है, जरूरी नहीं है कि वो नवाज शरीफ की बेटी की शादी में बिरयानी खाने गए थे, क्या वो नाप कराए हैं, क्या वो नाप कराए चादर चढ़ाने नहीं गए, चादर चढ़ाने नहीं गए, शॉल देने गए हैं, अब ये ध्यान रख लो कि वो अंतिम शॉल थी या पहली शॉल थी, बस जय श्री राम, जय श्री राम।